जहन दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसमें लग रहा है कि सरकार सेना में न्यू पेंशन सिस्टम लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। यानी आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया, ओपीएस और एनपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम जो 2004 से पहले वालों के लिए, और 2004 के बाद है एनपीएस सिस्टम जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और सर्विस में आर्मी को छोड़कर। अब ये एनपीएस सिस्टम है आर्मी में भी लागू हो गया है। किस तरह लागू हुआ है और सरकार क्या सोच रही है, आइए हम इस बोर्ड के जरिए सुनते हैं। दोस्तों, अब सरकार बना रही है सेवा निधि पैकेज, यानी सरकार जवानों को एक मुफ्त पैकेज देगी और वो कुछ नहीं देगी, ना आपको पेंशन देगी, ना ही आपको ग्रेच्युटी देगी, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पैकेज मिलेगा जिसका नाम रखा है उन्होंने सेवा निधि पैकेज। यानी इससे सरकार को लाभ ये है कि जो सरकार जो आपको सैलरी देगी उससे किस तरह सरकार पैसे काटेगी, आपके बचे हुए सैलरी को मार्केट में कैसे डालेगी, बैंकों को कैसे देगी, बैंक आपको इंश्योरेंस देंगे यदि आपकी मृत्यु हो जाती तो इंश्योरेंस कितना कवर देंगे, डिसेबिलिटी यदि आप हो जाते सेना में तो किस्त देंगे। मतलब यानी यदि मैं कहूं पार्शियली प्राइवेटीकरण होने वाले होने जैसा है। आइए हम देखते हैं, ये उनका सौभाग्य होगा जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रिक्रूटमेंट होंगे। अभी मैं सिर्फ टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए जो आज की न्यूज है, आज की बैठक में ये आउटकम निकल के आया, इसके बारे में हम आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं। शेयर में उन्होंने बोला है अग्निपथ योजना, पूरा टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना, उसके भर्ती लोग होंगे और भर्ती के बाद जो उन्हें पैसा मिलेगा वो होगा सेवा निधि पैकेज। अब क्या क्या होगा, यानी टीओडी का रिक्रूटमेंट उन्होंने बोला है कम से कम 45,000 जवान रिक्रूटमेंट होंगे, अगस्त से शुरू हो जाएंगे तीनों आर्म्स के लिए, थ्री सर्विस के लिए, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है। अब उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या भत्ते मिलेंगे और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एवरी मंथ उन्होंने बोला 30,000 से 40,000 उनको सैलरी मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, उसमें से 30% काटा जाएगा जो कि हर महीने उनके अकाउंट में जमा होगा, और जमा होने के बाद जब ये 4 साल बाद रिटायर्ड होंगे तो एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम के हीन इनका पैसा जोड़ करके और ब्याज लगा के इन्हें एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए लो और भैया जाओ। इसके बाद जैसा 4 साल बाद फिर बोला है कि 25% जो लोग हैं उनका दोबारा स्क्रीनिंग होगा, रिटन टेस्ट होगा, उनमें से फिर सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको एक रेगुलर कैडर के अंदर रखा जाएगा जैसे कि आम जवान होते हैं। ये तो ये टूर ऑफ ड्यूटी वाले जवान किसी भी तरीके से उनकी मृत्यु होती है किसी ऑपरेशन में तो उन्हें 44 से 48 लाख का बीमा है। ये सेवा निधि कंपोनेंट, सेवा निधि पैकेज का कंपोनेंट है, डायरेक्ट बैंक के साथ वो आपको लाइफ कवर रिस्क कवर वो देंगे। यदि आपको कहीं इंजरी होती है, डिसेबिलिटी होती है तो कितने परसेंट है वो डॉक्टर तय करेंगे, उसके हिसाब से भी आपको सेवा निधि कंपोनेंट के अंदर जो भी है कवर दिया जाएगा। दोस्तों, तो ये थी आज की खबर, ताजा खबर, आप समझ सकते हो, सुन सकते हो कि यानी सरकार अपना हमारे को जो पेंशन दे रही है वो बहुत भारी पड़ रही है, उसको किस तरह कम करना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी, कम भी करनी है, और बहुत सारे बदलाव भी साथ साथ करने की पूरी योजना है। और सरकार साथ साथ ये भी न्यूज पैरेलल ये भी चल रही है कि फौज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर रही है, फौज को चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की बातें हो, चाहे मॉरल और मोटिवेशन की बातें हो, चाहे देने की है, तो दोनों तरफ मीडिया में बराबर चीजें चल रही हैं। अंततः जमीन पर जवान को क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है वो हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इन सब चीजों का क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या साइड इफेक्ट होंगे, उनके लिए हमें आपको तैयार रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों।